प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम सत्संग में आते हैं तो हमें कुछ पावर का अनुभव होता है जो हमें यहाँ खींच के लाती है। इंसान अपने आप को आजकल के समय में इतना बिजी समझता है कि उसे किसी खास चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हम लोग रोज़ाना इतने काम करने में लगे रहते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमसे ज़्यादा और कोई बिज़ी नहीं, कि हमसे ज़्यादा शायद काम किसी और को ना हो। और कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक हम लोग करते चले आते हैं। तो सत्संग में आना रोज़ाना के कामों को छोड़ के आना भी कोई ताकत है जो हमें यहाँ खींच के लाती है। कुछ अंदर से उमंगें हमारे अंदर निकलती हैं ताकि हम सत्संग में जा सकें। और हम सब सत्संग में किसी भाव से आते हैं कि सत्संग में जाके हमें सुकून मिले, हम जिंदगी के मकसद को जानते हुए उस और कदम बढ़ा पाएं। और जो दुख दर्द हैं हमारे शारीरिक जिंदगी के, जो दुख दर्द हैं दुनियावी जिंदगी के, जो दुख दर्द हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में पाते हैं, वो हमारे दूर हों, उनसे हमें छुटकारा मिले। तो वो क्या ताकत है जो हमें सत्संग में लेके आती है? हम में से बहुत से भाई बहन इधर हैं जिन्होंने शायद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों का लाभ उठाया हो। बहुत से और होंगे जो ज़रूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में गए होंगे, और बहुत से भाई बहन दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संगों में गए होंगे। तो एक ताकत हमें खींच के ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में ले जाती है। और उनसे हमें क्या मिलता है, वो हमारे लिए क्या करते थे और उनमें क्या था जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी जो दुखों से भरी होती थी, जिसमें तकलीफ़ें थी, जब ऐसे महापुरुषों की नजरे करम हम पर पड़ती थी, उनके हमें दर्शन होते थे, तो फिर हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाती थी। हिस्ट्री की ओर देखें तो हम देखते हैं कि महापुरुष कई अलग अलग चोलों में आए, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो बाहर की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी अलग अलग थी। कोई किसी धर्म में आया, कोई किसी और धर्म में आया, कोई देखने में ऊंचे लंबे थे तो कोई छोटे थे हाइट में, हर एक की अपीयरेंस भी डिफरेंट, बात करने के तरीके भी डिफरेंट, और बाहर की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट थी। हर एक महापुरुष की एक कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम थी, वो ये थी कि वो हम सब से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो खुद ब खुद प्रभु के प्रेम से भरपूर थे। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार,
कि ऐसे महापुरुषों का प्रेम पिता परमेश्वर से इतना ज़्यादा था, वो प्रभु से एकमेक थे, प्रभु उनके अंदर प्रकट थे, उनके ज़रिए हम तक पहुँचते थे। और क्योंकि प्रभु की नज़दीकी उनके साथ थी, इसलिए वो जानते थे कि प्रभु हर एक के अंदर हैं, हम में से हर एक के अंदर पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, लेकिन हमसे छुपे हुए हैं। ये नहीं कि वो छुपना चाहते हैं, ये कि हम उन्हें जानने के लायक नहीं बन पाते। हमारे भीतर हैं लेकिन हम बाहर की ओर देख रहे हैं, अपना ध्यान बाहर की दुनिया में रखते हैं, और हम उनके हमारे अंदर होते हुए भी उनकी ओर झांक नहीं पाते। मन माया के पर्दे इतने ज़्यादा हैं कि प्रभु हम सबके भीतर होते हुए भी हमारे अंदर प्रकट नहीं होते, हम उन तक पहुंच नहीं पाते। अब महापुरुष हमें मदद करते हैं कि हम अपने भीतर पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाए। संत रजिंदर सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि पिता परमेश्वर ज़रूर मिलेंगे, हम सबको मिलेंगे, हम सबको मिल सकते हैं, क्योंकि हम सब में उन्होंने वो पदार्थ दिए जो हमें चाहिए उनको पाने के लिए। करना क्या, रूह को उड़ान देनी है। इस वक्त हम क्या कह रहे हैं, हम मन को उड़ान देते हैं, हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। जो मन चाहता है कि बाहर की दुनिया की जानकारी हमें ज़्यादा हो, उसी ओर इंसान लगा रहता है। न्यूज़पेपर देखो, रोज़ एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, दुबई जाना है तो इतने रुपए का है, इंडोनेशिया जाना है तो इतने रुपए में आप जा सकते हो, मलेशिया जाना है तो ये 4 दिन का पैकेज है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये थोड़ा सा और खर्चा होगा, और साउथ अमेरिका जाना है तो खर्चा थोड़ा और होगा। रोज़ एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि बाहर की दुनिया की जानकारी पाओ। और हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी वोकेशन होती है, थोड़ा सा समय मिलता है तो कहते हैं हम घूम के आए, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। क्यों? कि हमें, हमारा मन कह रहा है कि ये जगह देख के आए, वो जगह देख के आए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हमारी जिंदगी उल्टी चल रही है। जो घोड़ा है वो चैरियट को खींचता है, तभी जो चैरियट है वो आगे की तरफ जाती है, और अगर चैरियट घोड़े को खींचेगी तो फिर इंसान उल्टी तरफ ही जाएगा। हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर खुलती हैं वो मन को खींच रही हैं, और मन आत्मा को खींच रहा है हमारे ध्यान के ज़रिए। हमारी आत्मा का भारी रूप ध्यान है, तो मन हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया में लेके जा रहा है, और इसलिए इसकी जानकारी हमें बहुत है। जिसका जनरल नॉलेज ज़्यादा है उसका IQ कहते हैं हाई है, वो कहते हैं जिसका IQ 130 से ज़्यादा हो गया वो बड़ा स्मार्ट है इंसान। IQ माना जाता है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, के इंसान का दिमाग, उसकी जानकारी कितनी तेज़ी की रफ्तार से चल रही है। और इसीलिए बहुत सी बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि मुझे पढ़े लिखों को अनपढ़ करना पड़ता है। ये नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, वो चाहते थे हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो चाहते थे पढ़ाई लिखाई सही डायरेक्शन की हो। ये नहीं कि बाहर की चीज़ों की सिर्फ जानकारी हो, उसके साथ साथ जिसे पराविद्या कहा गया, जो उस जहान की जानकारी है, जो रूहानी जानकारी है, जो असलियत की जानकारी है, जो आत्मा की जानकारी है, वो हमें पानी बहुत ज़रूरी है।
अगर वो ना पाई तो इस सारे जहां की जानकारी की हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो उस जहान की जानकारी कौन दे सकता है? वो ताकत जो हमें यहाँ सत्संग में लेके आती है। एक पूर्ण महापुरुष जो पिता परमेश्वर के अंग संग हों, जो उस जहान के बारे में जानते हों, इस जहान के भी बारे में जानते हों, जिन्हें दोनों जहानों का ज्ञान हो, वो जानते हैं कि इस जहान में हम कैसे फंसते हैं और इससे कैसे निकल सकते हैं। इसीलिए जो संतमत का रास्ता है वो हमें ये नहीं कहता कि हम दुनिया छोड़ दें। संतमत का रास्ता में समझाता है कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए इस दुनिया में जीते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कि घर बाहर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर, माँ बाप की, भाई बहन की, पति पत्नी की, बच्चों की, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको निभाते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर हम लेके जा सकते हैं। और जब महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो हमें एक ब्लूप्रिंट सा मिलता है, एक नक्शा मिलता है कि हम उनकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी के लिए एक रास्ता पा लेते हैं जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे। कि कोई कोई होता है जो कि सही मायने से जो महापुरुष हमें दे सकते हैं उसको लेने के लिए आते हैं। वो खुश नसीब हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आते हैं, वो खुश नसीब हैं जो आत्मा की उड़ान पाने के लिए आते हैं, वो खुश नसीब हैं जो प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए आते हैं। ये तो बहुत से लोग तो जो बाहरी चीज़ें हैं उसकी मदद पाने के लिए ही महापुरुषों के पास आते हैं। अब जब हम ऐसे महापुरुषों की जिंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उनकी मदद हम सबको मिलती है। दो लफ्ज़ों में और दो लाइनों में बहुत कुछ ज्ञान वो दे जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं कि ये जो महापुरुष आते हैं ये होते कौन है। गुरबाणी में भी एक जगह और भी इसी किस्म का मेंशन आया हुआ है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो हमें समझा रहे हैं कि वो हैं कौन। वो कह रहे हैं लौट आए हैं यार के दर से, कि हम तो पिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए थे, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे सब कुछ करने वाले हैं, वही हमारे दाता हैं, उनके साथ बैठे हुए थे, सचखंड में मजे कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, मौजें लगी हुई थी। तो लौट आए हैं यार के दर से, उस जगह से जहां खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, दुख दर्द का कोई नाम नहीं। कि लौट क्यों आए? कि वक्त ने जब हमें पुकारा है, कि जब जब धरती पर जरूरत हुई कि अनर्थ बढ़ गया है, प्रभु से ध्यान हट रहा है, तो प्रभु अपने नज़दीकियों को, अपनी संतानों को यहाँ भेज देते हैं। तभी ऐसे महापुरुषों को सन्स ऑफ गॉड कहा गया, कि पिता परमेश्वर के बच्चे। किस लिए कहा गया? कि ऐसी रूहें, ऐसी आत्माएं प्रभु के अंग संग थी, बहुत नज़दीक थी, लेकिन धरती पर ज़रूरत पड़ी तो प्रभु ने अपनी संतान को यहाँ भेजा कि हम सबको वो मदद कर पाए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और बड़ा क्लियरली समझाया कि ऐसे महापुरुषों की जिंदगी कैसी होती है। हम तो उन्हें देखते हैं ना कि हमें ज़्यादातर तो बाहरी रूप से ही वो दिख पाते हैं कि हमें मिल रहे हैं, सत्संगों में मिल रहे हैं, हम उधर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हम वही रूप देख पाते हैं।
देखिए उनकी जिंदगी असली में कैसी है, असलियत में उनके अंदर क्या हो रहा है, वो हमें मदद कर रहे हैं, इधर भी मदद कर रहे हैं, उधर भी मदद कर रहे हैं, उधर भी मदद कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है। वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से समझाया, वो फरमा रहे हैं कि कितने चमन खिला गई, कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी, यार रहेगा दस को मेरे जुनू का बागपन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक रेगिस्तान का। रेगिस्तान में क्या था, रेत ही रेत ही रेत है, सब जगह रेत ही रेत है। और पुराने ज़माने में जब ये कारें नहीं होती थी और लोग बहुत सी जगह पैदल ही जाया करते थे, तो इंसान पैदल रेत पर चढ़ रहा है, एक से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है, और दूर दूर तक ना पानी दिखाई दे रहा है और पर रेत ही रेत दिख रही है, और धूप बड़ी तेज़ है, और जो सैंड है जो रेत है वो गर्म होती जा रही है। अब नंगे पैर अगर आप रेत के ऊपर चलेंगे जो गर्म है, तो क्या होगा, पैरों में चाले पड़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फरमा रहे हैं कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी। वो कह रहे हैं कि जो जो रेत के ऊपर चलकर पैरों के नीचे छाले हो गए, तो छालों में से क्या होता है, जब वो बुबले से बन जाते हैं छाले में से, तो उनमें से पस और खून निकलना शुरू होता है। तो कह रहे हैं कि वो जो पस और खून निकला उससे कितने चमन खिल गए हैं, कि कितने लोगों की जिंदगी खुशियों से भरपूर हो गई मेरे पैरों के नीचे जो छाले हैं उनके जरिए। और सिख हिस्ट्री में भी आया कि कैसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पैरों में छाले थे, और कई एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में आते हैं कि कैसे महापुरुष हमें मदद करते हैं तकलीफें अपने ऊपर उठाकर। तो किस किस्म की मदद हमें किस लेवल पर मिलती है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे कर्म क्या हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक पूर्ण महापुरुष जब हमें देखते हैं तो हमारा पीछा, हमारा करंट, हमारा फ्यूचर सब उनके सामने होता है, और वो तो यही चाहते हैं, और वो इसीलिए इस धरती पर आए हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचें। हमारी मंजिल प्रभु से एक मेघ होना है, हमारी मंजिल आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी, के जो तकलीफें मैंने उठाई, जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं पैरों के नीचे छाले होने के, कि उनके जरिए जो रक्त निकला उससे कितनी नहरें निकली जिन्होंने के लोगों की जिंदगी हरी भरी कर दी, उनके गार्डन्स खिल गए, कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी। और फरमा रहे कि यार रहेगा दस को, दस होता है जैसे जंगल जिसमें के फूल पौधे उगते हैं सारे, कि यार रहेगा दस को मेरे जुनू का बागपन। कि क्यों मैंने ऐसे किया, कि मेरे अंदर भी एक जुनू है, वो क्या है, पिता परमेश्वर से एक मेक होने का जुनू, उसका आनंद, उसकी मस्ती। और उसी मस्ती में, क्योंकि मैं प्रभु से के प्यार से भरा हुआ हूँ, मैं इस किस्म की ज़िंदगी जी पा रहा हूँ जिसमें कि चाहे मुझे तकलीफ़ें लेनी पड़ रही हों, यही संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, लेकिन उससे औरों की ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है, औरों की ज़िंदगी में मदद आती है। और यही बार 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 जब भी हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं, ध्यान देते हैं, हमें देखने को मिलता है। बाबा फरीद जिन्होंने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है रूहानियत के बारे में, बाबा फरीद एक जगह फरमाते हैं कि फरीदा रत्ती रत ना निकले, कि एक रत्ती भी खून नहीं निकले, कि फरीदा रत्ती
रत्न निकले जो तन चीरे कोई। कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो प्रभु से एक में है, अगर आप उनके तन को चीर दो तो उसमें से एक भी बूंद खून की नहीं निकलेगी। जेतन रते रब से हो कि जिस जो प्रभु से जुड़ गया, जो प्रभु से एक में हो गया कि जेतन रते रब से हो तिन तन रत ना हुई, कि जो प्रभु से जुड़ा हुआ है उसके शरीर के अंदर खून नहीं चल रहा, उसके शरीर के अंदर प्रभु का प्रेम चल रहा है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज भी कई बार फरमाते थे कि अगर शरीर मेरे को काटा जाए तो उसमें खून नहीं मिलेगा, आपको प्रभु का प्रेम मिलेगा। यही यहाँ बाबा फरीद समझा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष प्रभु के प्रेम से इतने भरपूर होते हैं कि उनके शरीर में हमें कोई खून नहीं लेकिन प्रभु का प्रेम ही प्रेम मिलता है। इसीलिए उनके जरिए हम सबके लिए मदद ही मदद मिलती है। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज के कंधों पर मिशन का बोझ आया तो शुरू शुरू में ही एक सत्संगी भाई थे, उनका बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये अब जी नहीं पाएगा। उन्होंने आके रिक्वेस्ट करी संत दर्शन सिंह जी महाराज को, तो 15 दिनों के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बीमार हो गए थे, बहुत तेज बुखार। लेकिन 15 दिन के बाद वो बच्चे की जान बच गई और वो अभी भी जिंदा है। तो ऐसे महापुरुष क्या देते हैं वो हमें समझ नहीं आता। किसी की ज़िंदगी लंबी करनी अगर ज़रूरी हो तो कर भी देते हैं, हालांकि ज़िंदगी और मौत प्रभु के हाथ में है। लेकिन हम इंसान हैं, हम ऐसे महापुरुषों को अपने फ़ायदे के लिए मदद के लिए कहते हैं तो वो अपनी मौज में भी हमें अपने ऊपर तकलीफ़ उठाकर भी मदद कर देते हैं। तो किस किस्म की मदद किस लेवल पर हमें मिलती है? इंसानी रूप पे हमारे को, जानवरों के रूप में उनको मिलती होगी, देशों के रूप पे और किस किस लेवल पे मदद मिलती है उसकी समझ आम इंसान के दायरे से बाहर है। जब भी ऐसे महापुरुष आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि सब तरफ सुख चैन हो, कि उन्हें मालूम है जब सुख चैन होगा तभी ध्यान टिक पाएगा। जब हलचल 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 होगी तो ध्यान टिकाना बड़ा मुश्किल है। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से एकमय हों, वो चाहते हैं हम अपने ज़िंदगी के मकसद तक पहुँचें, वो चाहते हैं कि हम वो सब करें जो हम करने के लिए यहाँ आए हैं। वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। वो यही चाहते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है वो हम सब के लिए पूरा हो, ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। उनसे अगर हम कुछ लेना चाहते हैं जो कि हमें सदा सदा के लिए मददगार होगा तो हम उनसे उनको मांगें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, आध्यात्मिक तरक्की मांगें। और जब आध्यात्मिक तरक्की होगी तो ये बाहर की चीज़ें सब, शारीरिक मानसिक और जो इमोशनल हैं, ये सब की सब खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, के जितनी हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी उतना ही हमारी शारीरिक और जो मानसिक हमारी सेहत है वो ठीक रहेगी। तो हम सब ज़्यादातर बाहर की प्रॉब्लम से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, और जब वो हमारी सॉल्व नहीं होती तो हम उस दायरे तक ही रह जाते हैं। हम सोते हैं
कि ये बीमारी आ गई, ये दूर हो जाए, भूल जाते हैं शायद कोई कर्म थे जो कटने हैं। हम सोचते हैं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, ये दूर हो जाए। हम सोचते हैं हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये दूर हो जाए। लेकिन भूल जाते हैं कि ये सब कर्मों के लिहाज से ज़िंदगी में आती हैं, पिछले कर्म से, या शायद हम खुद क्रिएट करी जा रहे हैं हर रोज़। कोई ना कोई हर रोज़ इंसान सोचता है, बोलता है, कार्य करता है, क्रिएट करता है कोई ना कोई कर्म। लेकिन ये मौका जो शरीर में होने का मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। आत्मा अगले जन्म में कहाँ जाएगी, इसकी हमें जानकारी नहीं। ये जन्म इस शरीर में मिला है, मानव चोला, ह्यूमन बीइंग, जिसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो इस मौके को हमने गंवाना नहीं है, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है। वो तब होगा जब हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। वो तब होगा या जब एक लगन से हम प्रभु की ओर खिंचते चले जाएंगे। वो तब होगा जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होगी, जब रूह को उभार मिलेगी, जब आत्मा अंदर के मंडलों में उड़ान करेगी। और अगर वो ना हुआ तो बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है, वो फरमाते हैं कि एक दर्शन ही मिला, औरों का गमखार हमें अपने गम में तो जमाने को परेशान देगा। ये दुनिया में हर एक इंसान अपने गम में परेशान है, किसी को एक प्रॉब्लम है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम, किसी को तीसरी प्रॉब्लम है। तो मददगार कौन है जो प्रॉब्लम से ऊपर हो, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे। और इसीलिए लाखों करोड़ों लोग आज इन महापुरुषों को याद करते हैं, दुनिया के कोने कोने में याद करते हैं। ये नहीं कि वहाँ के लोग जहाँ वो रहते थे, लेकिन दूर 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 ऐसे महापुरुषों को भाई बहन याद करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव इन महापुरुषों के जरिए आया। वो भाई बहन जो सुबह से शाम तक मीठी मीठ खाते थे, जिन्हें और कुछ समझ नहीं थी, उन्होंने मीट तो छोड़ा लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। वो भाई बहन जो कोई हिंदुस्तानी भाषा भी नहीं जानते थे, अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, उन्हें जब इन महापुरुषों की टीचिंग्स मालूम हुई तो उनके अंदर भी जागृति हुई। तो जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो वहाँ जाके बड़ी खुशी होती है कि इतनी दूर, हजारों मील दूर हिंदुस्तान से भी भाई बहन इन महापुरुषों को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और रोज़ाना बाकायदगी से शाकाहारी जीवन जीते हुए और शराब भंग चरण से परे होते हुए प्रभु की याद में बैठते हैं, ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं रोज़ाना और आध्यात्मिक तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं यहाँ दिल्ली में कि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत समय यहाँ गुजारा, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत समय यहाँ दिल्ली में गुजारा। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इन महापुरुषों की हमें फिजिकल नज़दीकी मिली, बट लाखों करोड़ों लोग इस दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्होंने शायद कभी इन महापुरुषों के शारीरिक में दर्शन भी ना किए हों और शायद उनसे कभी मिले भी ना हों, लेकिन इनकी टीचिंग, इनका बताया हुआ रास्ता आज भी उन्हें आध्यात्मिक रास्ते की ओर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन महापुरुषों के जरिए जो प्रभु को पाने का रास्ता, उसके लिए कोई दीवारें नहीं, कोई नेशंस उसे रोक नहीं सकते, कोई जातियां उसे तोड़ नहीं सकती। वो ये रास्ता प्रेम का रास्ता है, ये इन महापुरुषों के की रूह से, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि कैसे मिलाप होना चाहिए,
ये नहीं, वो कहते थे कि रास्ते में आए गए और हेलो हो गई और मिलाप हो गया। वो कहते थे आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक, रूह के रूह तक जब जाके मिलाप होता, वही सही मिलाप है। तो सही मिलाप क्या है? रूह का रूह से मिलना, बाकी सब बाहर की चीजें हैं। जब तक रूह रूह से नहीं मिलेगी, उसका मिलाप नहीं होगा, तो सही तरीके से मिलाप हुआ नहीं। क्योंकि रूह का अपने सदगुरु से मिलाप होना ही हमारी रूह का प्रभु से मिलाप होने का पहला कदम है। पहले तो रूह जो शरीर में बिखरी है वो कठी होगी यहाँ शिव नेत्र पर, हम अपने सदगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, फिर वो हमें अपने साथ अंदर के मंडलों को पार कराते हुए सचखंड में लेके जाएंगे। वहाँ पर हमारी आत्मा उनमें लीन होगी और फिर वो हमारी आत्मा को प्रभु में लीन कराएंगे। तो हमारी आत्मा का उनसे मिलना एक पहला कदम है प्रभु से मिलाप के लिए। इसीलिए वो ही मिलाप जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अपनी मंजिल की ओर कदम ही नहीं बढ़ा रहे। इसीलिए सन्मत के रास्ते पर बहुत जोर दिया जाता है कि हम अभ्यास करें, रोजाना भजन सिमरन करें, रोजाना अपना ध्यान टिकाएं, रोजाना अंदर की दुनिया में उड़ान करें, ताकि हम इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए उनसे एकमेक हो जाएं। अब जिस और इंसान ध्यान देगा वैसे ही वो बनेगा। जो कुछ हमने पाना है उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब तक प्रैक्टिस ना करें तब तक हम कुछ पाने के लायक नहीं। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम ध्यान बाहर से हटाएं, अंदर की दुनिया की ओर करें और हम अपने कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखों के डेली आए बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मनी मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आप अपने सामने ध्यान दीजिएगा, अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। हो सकता है ऐसे लगे रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा। ये बड़े ध्यान से देखेंगे तो वो आपको लगे रोशनी टिकनी शुरू हो गई हैं। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकता है वैसे वैसे आपको लगना शुरू हो जाता है कि रोशनियाँ टिक गई हैं। अब वहाँ से आगे निकल जाएंगे, एक आसमान तक पहुँचेंगे जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों। वहाँ पहुँचे तो जो सबसे मोटा चमकीला सितारा उसके बीच में देखेगा, वो आपको रास्ता देगा। आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे और जब बड़ी लगन से उसमें देखेंगे वो भी रास्ता देगा। अंदर में आप सूर्य तक पहुँचेंगे और बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप दिखाई देंगे। नूरी स्वरूप वो है जो स्वरूप में से नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। तो अपने सदगुरु की आंखों में देखिएगा तो जो जो आपके लिए अच्छा है उस यात्रा पर वो आपको लेके जाएंगे। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।